हम कहते हैं गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा, कहे नहीं हमारे गरीबों को नहीं चाहिए। हम कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली के गरीबों को मिलनी चाहिए, वो कहते हैं प्रधानमंत्री शब्द हटाकर मुख्यमंत्री कर दो। मैं आपको हमारा सबसे बड़ा रोड़ा बताना चाहता हूँ क्या, मगर एक केजरीवाल झाड़ू सरकार जो है ये बहुत बड़ा रोड़ा है। रोड़ा मित्रों ढेर सारे काम किए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने एक काम की गति बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए मुझे बताओ, जरा जोर से बोलो बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं आपको हमारा सबसे बड़ा रोड़ा बताना चाहता हूं क्या है, मोदी जी हरदीप जी द्रुत गति से स्पीड से काम करना चाहते हैं, मगर एक केजरीवाल झाड़ू सरकार जो है ये बहुत बड़ा रोड़ा है। रोड़ा है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल ऐसे है कि जो नई नई चीजें करते रहते हैं। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत करी, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया कराया है अपने नाम का थप्पा लगा देना। अभी मैंने कल एक एडवर्टाइज देखी कि हर घर को पीने का पानी दिल्ली सरकार दे देगी। केजरीवाल जी 15 अगस्त को मेरी बगल में बैठे थे, आप मोदी जी का भाषण नहीं सुना, 2019 का मैंडेट मिलने के बाद लाल किले की प्राचीर से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 के पहले इस देश के हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और आप एडवर्टाइज देकर यश लेने की बात कर रहे हो, आप मुझे एक बात बता दो, आपके बजट में कितना रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया है, आपकी क्या कार्य योजना है? आपको भी मालूम है जब मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर हम हर घर को पीने का पानी देंगे तो दिल्ली भी तो देश में आना है, आता है तो दिल्ली को भी मिलने वाला है। तो भाई केजरीवाल तैयार हो गए एक बड़ी एडवर्टाइज कर। एडवर्टाइज से दो काम उनके होते हैं, एक तो कोई योजना पर उनके नाम का थप्पा लगता है और अखबार वाले उनकी सरकार की बुराई नहीं करते, दोनों काम एक ही काम से कर लेते। चतुराई तो है मगर मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता चतुराई को पहचानने वाली जनता है, किसने काम किया और किसने प्रचार किया इसको जानती। हम कहते हैं गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा, कहे नहीं हमारे गरीबों को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई, आप मुख्यमंत्री बन गए हो, सारे फायदे लेते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है, गरीबों को जरूरत है, हम देना चाहते हैं, मगर वो नहीं ना बोल रहे हैं। हम कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली के गरीबों को मिलनी चाहिए, वो कहते हैं प्रधानमंत्री शब्द हटाकर मुख्यमंत्री कर दो। भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री बिठा दो जो काम करने के लिए आए, काम रोकने के लिए ना आए, ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बिठाना चाहिए। और वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ही। अभी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, हरदीप सिंह जी के नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसको मोदी जी ने कहा कि सालों से अनधिकृत कॉलोनियां, उस वक्त जो सरकारें थी उसके दुर्लक्ष के चलते बस गई हैं, इसके अंदर गरीब लोग रहते हैं, इसके अंदर मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, सालों सालों से रहते, कुछ तो तीन पीढ़ी से रहते हैं, मगर उनके पास बच्चे को पढ़ाना है और बैंक में घर गिरो रखकर लोन लेनी है तो वो नहीं ले सकते क्योंकि इनके नाम पर नहीं है। उनको इसको थोड़ा एक्सपांड करना है, बेटे की शादी हो गई, नहीं कर सकते क्योंकि मैप ही अप्रूव नहीं होगा। ये सारी 1731 अनधिकृत कॉलोनी और इसके अंदर रहने वाले 40 लाख लोग, मित्रों 40 लाख का तो शहर होता है, एक अनधिकृत कॉलोनी का अलग प्रकार से एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जितना बड़ा शहर दिल्ली के अंदर बसता है, जिनकी तीन तीन चार चार पीढ़ी से किसी सरकार ने चिंता नहीं की थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया
कि सबको अधिकृत कर मालिकाना हक 500 रुपया और 2000 रुपया में दे दिया जाए। और ढेर सारे कानून इसके अड़चन में आते थे, अर्बन डेवलपमेंट के कुछ कानून आते थे, स्टैंप और रेवेन्यू के कुछ कानून आते थे, इनकम टैक्स के कुछ कानून आते थे, कुल मिलाकर 13 कानून ये करने के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े थे। मोदी जी ने एक ही कैबिनेट नोट से 13 के 13 कानूनों को साइड पर रखकर ये 40 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का काम किया। अब देखना, आप मोदी जी ने घोषणा कर दी, हरदीप जी ने इसका अमल कर दिया, ये केजरीवाल जी कहेंगे तो मैंने किया है, ये इनकी पद्धति है। अभी अभी कल मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था, हमारे एक प्रमुख नेता ने बहुत बढ़िया बात की, उन्होंने मुझे कहा अध्यक्ष जी दिल्ली की जनता 60 महीने की सरकार चाहती है, 3 महीने की नहीं चाहती है। मैंने बोला भले आदमी, चुनाव तो 5 साल के लिए होना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है 60 महीने की सरकार होती है। कि नहीं साहब, हमारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार 57 महीने कुछ नहीं करती, 3 महीने सिर्फ एडवर्टाइज देकर जनता को कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, 60-60 महीने होने को आए आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये सारे वादे आप जो एडवर्टाइज देकर दिल्ली की जनता को बता रहे हो, ये पहले क्यों पूरे नहीं हुए? मैं बता देता हूं, अभी भी पूरे नहीं होने वाले, सिर्फ झांसा देने के लिए एडवर्टाइज देने का काम है केजरीवाल सरकार कर रही है। मित्रों, इन्होंने जीवन में काम नहीं किया, विरोध करने का ही काम किया, धरने का देने का ही काम किया। अब धरना देते देते दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया, परेशानी हो गई, अब धरना किसके सामने दे, वो खुद ही तो मुख्यमंत्री बन गए। मित्रों, 5 साल का लेखा जोखा लेकर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली का कोई भी सार्वजनिक स्थान तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद परवेश वर्मा आपके साथ चर्चा करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारत सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने मेट्रो को भी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में 116 किलोमीटर की नई लाइनें चालू करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और करीब और 70 किलोमीटर पर नए रूट पर काम ऑलरेडी चालू कर दिया गया है। मित्रों, अमृत प्रकल्प के तहत 4 लोकल बॉडीज के तहत 18 प्रकल्प 802 करोड़ के समाप्त कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत एनडीएमसी के 71 प्रकल्प 1331 करोड़ के प्लान कर चालू कर दिए गए हैं, और 50 से अधिक बर्थ शेल्टर 4,94,00,000 की लागत से उत्तर और पश्चिमी दिल्ली में हमने स्थापित किए हैं। रैपिड ट्रांसपोर्ट रेल दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर, दिल्ली मेरठ काम चालू हो गया है, पानीपत और अलवर का काम चालू हो जाएगा। इससे दिल्ली के प्रदूषण के अंदर बहुत बड़ी कमी आने वाली है। ये पावर प्लांट जो बन किया, एक ही पावर प्लांट 70 साल तक सभी वाहन जितना धुआं उगते हैं इतना धुआं उगता था, उसको बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नई मोदी सरकार ने। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो, खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।